बच्चों कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी नंबर एक ही चली होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ असंग जनन तथा बहुगुणता के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियानी के बारे में आज मैं आपको एकदम डिटेल से पढ़ाऊंगा कि असंग जनन क्या होता है, असंग जनन की खोज किसने की थी और पॉली एम्ब्रियानी जिसको बहुभ्रूणता कहते हैं, बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है, उन सभी के बारे में आज के इस क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम डाल लेते हैं अपने टॉपिक का नाम। हमारा टॉपिक जो है उसका नाम क्या है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है असंग जनन। असंग जनन, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, बेटा असंग जनन और बहुभ्रूणता को इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको भी जान लीजिए जरा। देखो, असंग जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस और बहुभ्रूणता को इंग्लिश में कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। तो बेटा सबसे पहले हम इस हेडिंग का मतलब जान लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं डिटेल से कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है और एपोमिक्सिस क्या होता है, ठीक है। देखो, नाम से पता चल रहा है, देखो यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या बात करेंगे हम असंग जनन के बारे में कि असंग जनन क्या होता है, जिसको एपोमिक्सिस करते हैं वो क्या होता है। देखो, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट हो जाएगा असंग जनन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम एपोमिक्सिस, ठीक है, एपोमिक्सिस कहते हैं। देखो तो बेटा, अगर हम असंग जनन की बात करते हैं, एपोमिक्सिस की बात करते हो, तो यहां पर देखो असंग जनन में तीन शब्द हुए हैं, असंग और जनन, ठीक है। पहला क्या है, असंग और जनन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, अ है, दूसरा क्या है, संग है, तीसरा क्या है, जनन, ठीक है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखिएगा, आपकी आधी से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगी। देखो, अ का मतलब होता है असत्य, अ का मतलब होता है असत्य, संघ का मतलब होता है साथ, ठीक है, संघ का मतलब होता है साथ, जनन का मतलब होता है जनन, ठीक है। तो यहां पर असंग जनन में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो एक झूठे जनन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। फेक रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। फेक रिप्रोडक्शन से क्या होता है उसको हम देखेंगे यहां पर, यानी कि असंग जनन में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और जानते हैं कि असंग जनन क्या होता है। बेटा देखो, असंग जनन का मतलब ये होता है कि जब बिना जनन के किसी बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे असंग जनन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं जिसमें बिना ही जनन के, ठीक है, बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे असंग जनन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आता है आपका एस्ट्रेसिया तथा घास, ये दो ऐसे पौधे हैं जिनमें बिना जनन के, बिना रिप्रोडक्शन के सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो चलिए अपनी पॉइंट को हम लिखते हैं अपनी भाषा में, ठीक है, जो सबसे सरल भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है। देखो, पहला पॉइंट हमारा असंग जनन में ये हो जाएगा कि कुछ पुष्पी पादप, सभी नहीं, कुछ थोड़े पुष्पी पादप होते हैं, कुछ पुष्पीय पादप में बिना निषेचन, ठीक है। बिना निषेचन का मतलब क्या होता है बेटा, बिना जनन के, ठीक है, बिना जनन के, ठीक है, और वो भी किस प्रकार का जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, वो भी किस प्रकार का जनन, लैंगिक जनन। जब लैंगिक जनन होगा, यानी कि नर और मादा आपस में जब मेटिंग करेंगे तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो निषेचन होगा। जब मेल और फीमेल आपस में मेटिंग कर ही नहीं रहे हैं तो निषेचन नहीं होगा। तो हम कहेंगे बिना निषेचन के बीज, ठीक है, बिना निषेचन के बीज, बिना निषेचन के बीज का पैदा होना, बीज का पैदा होना या बीज पैदा करने की क्षमता को, बीज पैदा करने की क्षमता को, बीज पैदा करने की क्षमता को असंग
जनन यानी कि एपो मिक्सिस कहते हैं, एपो मिक्सिस कहते हैं। समझ में आया बेटा कि बिना निषेचन के जब किसी पौधे से बीज यानी कि सीड का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, तो एपोमिक्सिस कहां पर देखने को मिलता है सबसे ज्यादा, तो उसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण में आ जाता है आपका एस्ट्रेसिया। ठीक है, क्या आ जाता है? एस्ट्रेसिया। एस्ट्रेसिया। अब कहेंगे सर जी एस्ट्रेसिया होता क्या है? एस्ट्रेसिया होता क्या है? आपने तो कभी देखा नहीं होगा एस्ट्रेसिया क्या होता है। तो चलिए मैं सामने एक फिगर देता हूं, ठीक है, उसको देख लीजिए कि ये एस्ट्रेसिया जो होता है वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तथा घास एस्ट्रेसिया तथा घास। तो घास से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे, घास आपने देखा भी होगा, आपके घर के अगल बगल आपके घर के सामने घास होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में आपका आ जाएगा एस्ट्रेसिया तथा घास, दोनों का फिगर मैंने सामने दे दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि असंग जनन की खोज की, ठीक है, असंग जनन की खोज किसने की थी, असंग जनन के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कब बताया था उसकी बात करते हैं। तो असंग जनन के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है विंकलर। ठीक है, विंकलर नाम के एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1908 ईस्वी में असंग जनन के बारे में बताया था। ठीक है, कब? 1908 में एपोमिक्सिस के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है विंकलर। ठीक है, तो चलिए अगली पॉइंट को हम लिखते हैं कि असंग जनन की खोज सर्वप्रथम असंग जनन की खोज सर्वप्रथम विंकलर। ठीक है, विंकलर क्या थे? विंकलर एक बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पति वैज्ञानिक। ठीक है, तो वनस्पति वैज्ञानिक विंकलर ने किया था। विंकलर ने 1908 ईस्वी में किया था। देखो बेटा ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और मैं इसे PYQ के रूप में देखता हूं क्योंकि ये कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एपोमिक्सिस का डिस्कवर किसने किया था, एपोमिक्सिस डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो इसलिए मैं इसे कह दूंगा कि ये PYQ टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर आगे बात करते हैं कि विंकलर ने क्या कहा एपोमिक्सिस के बारे में, विंकलर के अनुसार एपोमिक्सिस क्या होता है। देखो विंकलर के अनुसार, अगली पॉइंट में हम लिखेंगे यहां पर, विंकलर के अनुसार असंग जनन क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि विंकलर के अनुसार असंग जनन क्या होता है, तो मैं लिखूंगा कि विंकलर के अनुसार कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन के बिना ही बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे असंग जनन जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं। समझ में बेटा, एक बार फिर से देख लो कि विंकलर नाम के एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया
कि जब पौधों का जो जीवन चक्र होता है, यानी कि एक छोटा सा पौधा जब जन्म लेता है तब से लेकर के एक विशाल काय पौधा बनने के समय के बीच में, जब कभी भी बिना युग्मक के संलग्न हुए, यानी कि बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में मिले, यूं हम कह सकते हैं कि बिना निषेचन के जब बीज बन जाता है तो उसे हम एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन के नाम से जानते हैं। बन गया? चलो आप फटाफट से इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस यानी कि असंग जनन का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार का असंग जनन होता है। फटा से टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3, टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलिए आगे हम बात करते हैं कि असंग जनन कितने प्रकार का होता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, हैंडल में हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा, असंग जनन के प्रकार, असंग जनन के प्रकार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की बात करते हैं तो यहां पर दो प्रकार का एपोमिक्सिस होता है, दो प्रकार का असंग जनन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला एपोमिक्सिस होता है टाइप, वो होता है हमारा वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा अनिषेक बीजता, ठीक है, अनिषेक बीजता, जिसको हम एगैमो स्पोरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, एगैमो स्पर्मी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं असंग जनन के प्रकार की, असंग जनन के प्रकार की बात करते हैं तो यहां पर दो प्रकार के असंग जनन होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपोगैमी। फर्स्ट वन इज द, यानी कि पहला जो हमारा एपोगैमी होता है, पहला जो असंग जनन होता है वो होता है कायिक जनन, कायिक जनन, या इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया, जिसको इंग्लिश में अगर हम कहें तो इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, या फिर इसको कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से इसी को हम जानते हैं। पहला ये हो गया हमारा। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड एपोमिक्सिस क्या होता है, तो सेकेंड एपोमिक्सिस की बात करते हैं बेटा, तो सेकेंड एपोमिक्सिस हमारा हो जाता है अनिषेक बीजता, अनिषेक, अनिषेक बीजता, जिसको हम एगैमो स्पर्मी के नाम से जानते हैं। अनिषेक बीजता को इंग्लिश में कहते हैं ए गैमो स्पर्मी, ए गैमो स्पर्मी के नाम से जानते हैं अनिषेक बीजता को। चलिए अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कायिक जनन, जिसको कायिक प्रवर्धन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं, तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले आप इन दोनों प्रकार को नोट कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि आपको पहला प्रकार जो होता है कायिक जनन वो क्या होता है। देखो यहां से मैं लिखता हूं कायिक जनन, पहला प्रकार है ये कायिक जनन, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। कायिक जनन यानी कि कायिक रूप से कोशिकाओं में जनन की प्रक्रिया को हम कायिक जनन कहते हैं, ठीक है, कायिक रूप से कोशिकाओं में जनन की जब प्रक्रिया होती है उसको कायिक जनन कहते हैं। और इसको अगर हम ब्रॉड में एकदम अच्छे तरीके से कहना चाहें तो जब किसी पौधे के या पत्ती के ऊपर निकली हुई कलिकाओं से पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, उसे कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में, तो इसको देखते हैं। तो इस प्रकार के प्रजनन में लिखेंगे, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता, बीज
नहीं बनता है। ठीक है, देखो भैया रिप्रोडक्शन तो होगा लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन होगा, जनन होगा लेकिन बच्चा पैदा नहीं होगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है। अब अगर हम बात करते हैं तो अगर बच्चा पैदा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बीज नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो बीज नहीं बनेगा, बिना बीज बने ही सीधे पौधे का निर्माण यहां पर होता है। तो लिखेंगे हम किसी कायिक कलिका से, या फिर किसी कलिका से लिखेंगे हम यहां पर किसी कलिका से, किसी कलिका से जो जो पौधे के तना अथवा पौधे के तना अथवा पत्तियों पर, पौधे के तना अथवा पत्तियों पर निकले होते हैं, निकले होते हैं। ठीक है, पौधे की तना अथवा उनके पत्तियों पर निकले होते हैं, उससे पौधों के निर्माण को हम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, सपोज डेट, देखो ये कोई हमारा पौधा हो गया। ठीक है, पौधा है, उसके ऊपर कलिकाएं निकली हुई है और उस कलिकाओं से जब पौधे का निर्माण होता है तो उसको हम कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं उदाहरण बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बात करता हूँ, सबसे पहले उदाहरण की बात करता हूँ, तो उदाहरण जो होता है वो आता है आपका गन्ना। ठीक है, गन्ना। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है आलू, और इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जिनमें बिना बीज के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर मैंने एक फिगर लगा रखा है, ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे होता है। तो फटाक से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे की ओर चलता हूँ। फिर बात करता हूँ मैं कि जो हमारा दूसरा होता है अनिषेक बीजता, वो क्या होता है। ठीक है, बीजता की, और अनिषेक बीजता जिसकी क्या है वो स्पर्मी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पॉइंट में डाल लू दूसरा अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता जिसको हम कहते हैं ए गैमो स्पर्मी। अब बात करते हैं बेटा अगर एक गैमो स्पर्मी होता क्या है और एक गैमो स्पर्मी कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एक गैमो स्पर्मी की, अनिषेक बीजता की, तो अनिषेक बीजता एक ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर बिना नर और मादा युग्मक के मिले ही बीज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, बिना नर और मादा युग्मक के मिले ही बीज का निर्माण हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं अनिषेक बीजता। इसी को अगर हम दूसरे भाषा में कहना चाहें तो दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि बिना लैंगिक जनन की प्रक्रिया के ही बीज निर्माण होता है तथा इस प्रकार का प्रजनन बीज के द्वारा होता है। लेकिन क्या होता है, यहां पर बीज बनने के लिए युग्मक संलयन की प्रक्रिया और ना किसी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको हम अपने एग्जाम में, उसको देखते हैं कि लैंगिक जनन की अनुपस्थिति, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण, लैंगिक जनन की अनुपस्थिति में बीज का निर्माण अनिषेक बीजता कहलाता है। अनिषेक बीजता कहलाता है। क्लियर हुआ इतना,
कि लैंगिक जनन की बिना उपस्थिति में जब बीज का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। क्लियर हुआ इतना? आगे की पॉइंट हम कहेंगे कि इस प्रकार का प्रजनन ठीक है, अनिषेक बीजता भी एक प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है। यहां पर लिखेंगे इस प्रकार की प्रजनन बीज के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं इस प्रकार का प्रजनन बीज के द्वारा होता है। इस प्रकार का प्रजनन क्या होता है? बीज के द्वारा होता है। लेकिन यहां पर युग्मक संलयन या फिर कहें हम संयुग्मन, ठीक है, संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन, संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन के बिना लेकिन बीज बन जाता है। समझ में आया? या फिर लिख सकते हैं हम केवल नहीं होता तक लिख करके छोड़ देंगे, तब पर भी हमें नंबर मिल जाएगा। आगे की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट क्या हो जाएगा कि अनिषेक बीजता जो होता है बेटा वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, एक गैमोस्पर्मी कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक गैमोस्पर्मी के प्रकार की, तो एक गैमोस्पर्मी जो होता है वो हमारा तीन प्रकार का होता है, ठीक है, अगर बेटा अगर हम अनिषेक बीजता की बात करते हैं तो अनिषेक बीजता हमारा तीन प्रकार का होता है, थ्री टाइप्स ऑफ ए गैमोस्पर्मी। उसको भी लिखेंगे हम कि अनिषेक बीजता निम्न प्रकार का होता है, ठीक है, और इससे बीजता कितने प्रकार का होता है? निम्न प्रकार का होता है। तो निम्न प्रकार में कितने होते हैं? मेनली थ्री टाइप्स ऑफ ए गैमोस्पर्मी। फर्स्ट आप आल, यानी कि हम पहले की बात करते हैं तो पहले को हम नाम देंगे अपस्थानिक भ्रूणता। पहला क्या होता है? अपस्थानिक भ्रूणता। दूसरे को अगर हम नाम देते हैं बेटा तो दूसरा हमारा हो जाता है यहां पर द्विगुणित बीजाणुता, ठीक है, द्विगुणित बीजाणुता। और तीसरे को अगर हम नाम देते हैं बेटा तो तीसरा हो जाता है हमारा होता है वो होता है अपबीजाणुता। तीसरा नंबर क्या होता है हमारा? अपबीजाणुता होता है। तो मैं चाहूंगा फटाक से आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको एक एक पॉइंट को समझा दूं कि अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, द्विगुणित बीजाणुता क्या होता है और अपबीजाणुता क्या होता है, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता की पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा यहां पर? अपस्थानिक भ्रूणता क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे कि इस प्रकार के बीज निर्माण बीजांड का अथवा अध्यावरण, जिसको इंटिगमेंट के नाम से जानते हैं, उसकी कुछ कोशिकाओं से होता है। और प्रत्येक बीज जो होता है वो वृद्धि करता है, डेवलपमेंट होता है उसमें, और एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता, ठीक है। और इस प्रकार का जो कोशिकाएं होती हैं वो सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, यानी कि डेप्लॉयड कोशिकाएं होती है, 2n प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम इसको लिख करके दिखाते हैं कि कैसे आप इसको एग्जाम में लिखेंगे। लिखेंगे हम यहां पर इस प्रकार के
बीज का निर्माण, इस प्रकार के बीज का निर्माण, इस प्रकार के बीज का निर्माण बीजांड काय अथवा अध्यावरणों, जिसको इंटुगमेंट कहते हैं, और बीजांड काय को हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, अध्यावरणों की कुछ कोशिका से होती है तो उसे अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। इतना बात समझ में आया बेटा कि जब बीज का निर्माण बीजांड काय अथवा अध्यावरण की कुछ कोशिकाओं से हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। देखो जो ये अपस्थानिक भ्रूणता का बीज होता है, ठीक है, लिखेंगे यहां पर प्रत्येक बीज परिपक्व होकर के भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है। प्रत्येक बीज जो होता है, चाहे जितना बीज बन जाए XYZ, 100 बीज बनेगा तो 100 बीज से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ये फिक्स होता है, ठीक है। 100 बीज बनेगा, 100 सीड बनेगा तो 100 का डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का। अगर एक बीज बनता है तो उस एक बीज से ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। 1,00,000 बनेगा तो 1,00,000 बीज से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अगर हम बात करते हैं इसके प्रत्येक बीज की, जितने भी बीज बनते हैं तो वो बीज किस प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे हम इस प्रकार उत्पन्न का मतलब इस प्रकार से जो अनिषेक बीजता से बीज का निर्माण होता है और उसमें सभी कोशिकाएं जो होती है, या फिर कह लें कि इस प्रकार उत्पन्न बीज में सभी कोशिकाएं, इस प्रकार उत्पन्न बीज में सभी कोशिकाएं, बीज में सभी कोशिकाएं, बीज में सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। द्विगुणित का मतलब बेटा क्या होता है, 2N, यानी कि डिप्लॉयड होती है, ठीक है। इस प्रकार के प्रक्रिया से, यानी कि जितने भी बीज बनते हैं उस बीज की जितनी भी कोशिकाएं होती है क्या होती हैं, द्विगुणित होती है, ठीक है, द्विगुणित होती है, समझ में। अगर हम बात करते हैं बेटा उदाहरण की, एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो यहां पर जितना नींबू होता है, ठीक है, नींबू जो होता है, ठीक है, नींबू आम तथा नागफन्नी के पौधे में ये चीज देखने को मिलता है, अब बीजाणुता देखने को मिलता है, तो फटाक से आप इसको नोट कीजिए। देखो बेटा अगर हम कर ले द्विगुणित बीजाणुता की, तो द्विगुणित बीजाणुता क्या होता है कि यहां पर हम लिखेंगे इस प्रकार के बीज का निर्माण गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से भ्रूण कोष यानी कि एम्ब्रियो सैक बन जाता है, इसके निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको हम कि इस प्रकार के बीज के निर्माण में गुरु बीजाणु मातृ कोष से भ्रूण कोष, देखो बेटा एक भ्रूण कोष होता है और एक भ्रूण कोष होता है, ये भ्रूण कोष जिसको हम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं, और एक होता है भ्रूण पोत जिसको हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर एक छोटा सा बेबी जो बच्चा होता है वो रहता है, और भ्रूण पोत जो होता है जिसको एम्ब्रियो सैक, मुंह से गलत निकल रहा है,
एंडोस्पर्म कहते हैं, उस एंडोस्पर्म से इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ। बन जाता है। इसके निर्माण में क्या होता है, बस इसके भ्रूणकोश तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है लिखेंगे इसको हम। इसके निर्माण में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। समझ में बेटा? थ्री टेक स्क्रीन शॉट, 1 2 3। चलिए मैं लिखूंगा आगे, और लास्ट जो बेटा हमारा होता है वो होता है अपबीजाणुता। क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखो, अपबीजाणुता की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो अपबीजाणुता की खोज रोजेनबर्ग के नाम के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1907 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इनके अनुसार क्या होता है कि बीजांड काय की कोई एक कोशिका, ठीक है, कोई भी एक कोशिका, चाहे वो अंडकोशिका हो, चाहे वो सहायक कोशिका हो, चाहे वो द्वितीयक केंद्र की कोशिका हो, चाहे वो प्रतिमुख कोशिका हो, किसी भी कोशिका से क्या होता है कि भ्रूणकोश का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है। और जो निर्माण होता है उसमें जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें द्विगुणित गुणसूत्र उपस्थित होता है। ठीक है, इनके कहने का मतलब केवल यही था और यही आपको लिखना भी है। तो लिखेंगे हम अपबीजाणुता की खोज, यानी कि इसकी खोज रोजेनबर्ग ने 1907 ईस्वी में किया था। इतना समझ में आया, रोजेनबर्ग ने क्या किया था, 1907 ईस्वी में किया था। इसमें बीजांड काय के किसी भी कोशिका से भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाता है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र द्विगुणित होती है। इसकी प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगर बेटा मैं उदाहरण की बात करता हूं तो उदाहरण में आपका क्या आ जाता है, उदाहरण में आपका क्रेपिस आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण की मैं बात करता हूं, उदाहरण में आपका आ जाएगा क्रेपिस। ठीक है, क्या होता है क्रेपिस नाम का एक पौधा है, ये इसका उदाहरण होता है। मैं डायग्राम आगे लगा देता हूं, आप देख लीजिए क्रेपिस कैसा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। क्षमा चाहूंगा कि क्लास काफी लंबी हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी को नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही क्लास के लिए।